कल देर रात हैदराबाद के वेस्ट जोन डीसीपी वेंकटेश्वर वल्लू के निर्देशन पर वेस्ट जोन में कर्डन सर्च और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में 200 से ज़्यादा पुलिस वालों ने भाग लिया। बताया जाता है इस ऑपरेशन में एडिशनल डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और पुलिस के जवानों ने भाग लिया। ये सर्च ऑपरेशन मुगल का नाला से लेकर लंगर हाउस इलाके में चलाया गया। पुलिस ने 30 से ज़्यादा दो पहिया वाहनों को भी जब्त किया है, साथ ही दो ऑटो को भी जब्त किया है। 11 सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, साथ ही साथ पुराने अपराधियों को भी हिरासत में पुलिस ने लिया है। वहीं ये ऑपरेशन सुबह देर तक चलाया गया। इस ऑपरेशन अभियान को वेस्ट जोन डीसीपी वेंकटेश्वर वल्लू की देखरेख में चलाया गया। घर को चेक करें और उसमें 11 सस्पेक्ट लोग भी हमारे को मिले। वो सी डॉट का हमारा जो टेक्नोलॉजी है ना, उसका तरह जो वो लोग से टच है उसमें, और 7 राउंड सीटर भी उस एरिया में से उसका जो घर में है वो लोगों भी इधर पकड़ के ले गए, और 32 गाड़ी उसमें 30 टू व्हीलर और दो ऑटो, पूरा 32 गाड़ी भी सीज करें। वो लोग को सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है और इधर ले के आके वो वेरीफाई कर लें। अब जुमला ये मुगल कनाल एरिया में से हर घर करके तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक ये कार्नर सर चला। इसमें तकरीबन हमारा कोशमाल डिवीजन और आसमान डिवीजन का एसीपीस, 8 इंस्पेक्टर्स, 20 सब इंस्पेक्टर्स और तकरीबन 200 आदमी कॉन्स्टेबल होम गार्ड्स पूरा इसमें शामिल हुआ। और लोकल अजीम बोल पे पब्लिक से भी हमारे एक मारूज आया, उसका जो मेन रोड मुगल का नाला से मेन रोड एक्सप्रेस वे जाकर और रोड है, वो रोड पूरा बाहर का लोग आके वहाँ बैठ के गाड़ी रख के पूरा नहीं जाए तक सुबह का टाइम पे, स्कूल का टाइम पे और शाम का टाइम पे ट्रैफिक भी जाम करें, अन्य से लोग आके वहाँ बैठ कर काम करके करें। वो मसला भी ट्रैफिक वाले से मिल करके हम वो मसला भी सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। और एरिया में क्या ये कार्नर सर्च करने पब्लिक में भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है और करने आता। हम घर में तलाश करने जब कोई नया लोग इधर आके रहे या क्या पैसा भी तलाश करें, इंक्वायरी करें, उसमें वो लोग भी हमारे को कोऑपरेशन करें। और ये कार्नर सर्च जोर में हरपुर स्टेशन में अभी आगे चल के पब्लिक का जो कॉन्फ्रेंस द्वारा भरोसा कॉन्फ्रेंस बढ़ाने के लिए कार्नर सर्च। हैदराबाद से मोहम्मद हामिद की रिपोर्ट।